इंडिया में नबे करोड़ से जायद वोटर्स आएंगे इंडिया का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से बहुत मजबूत है वहाँ पे ये फॉर्म 45 47 के मसले नहीं है। बड़ा पोर्ट्रेट किया गया मोदी फैमिली जी मोदी जो है वो एक तो चाय बेचने वाला है चाय बेचते बेचते वजीम पहुंच गया हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि जी जो आदमी जेल में है फिर वो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाद में जेल में चला जा जाता है लेकिन इन कंपैरिजन टू तो पाकिस्तान उनका पॉलिटिकल कल्चर बहुत मिचोर है नरेंद्र मोदी के मुकाबले में तो बड़ा फिगर राहुल गांधी है क्या वो नरेंद्र मोदी मोदी का मुकाबला सही कर पा रहे हैं की सियासत को देखें पिछले दस साल में सेकुलर इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स हिंदू फर्स्ट इंडिया मुसलमानों का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूपी में कश्मीर में बाकी सूबों में बिहार में बीजेपी ने टाइम टू टाइम इस चीज तो माइनस कर दिया है ट्रेंड ये चल रहा है कि पॉपुलर लीडर जो है जो आवाम की नफसियात को जानता है उनके जज्बात से खेलना जानता है उसको आप गवर्नमेंट दे दें <laughs> कहार <laughs> <laughs> करने की जंग ये वो पॉइंट है, जिसमें है। की जिसमे बीजेपी और तेरिक इंसाफ खास के इमरान खान इस नरेंद्र मोदी कहाँ जा सकता है ईरानी सदर साहब का ये वाक्य हुआ क्या पीछे आपको नजर आते हैं ईरान के ऑफिशियल्स को देखे तो पता चलता है की शायद वो इसे है बिसम रिम फ़रो बड़ा शो में खुश आमदी आज हमारे मेहमान माजिद सदीक नजामी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं तजिया हैं और सबसे जो बेहतरीन चीज़ इनकी कि तहकीक पर बड़ा यकीन रखते हैं तो इस वक्त हमारे हम मुल्क में इंतबात चल रहे हैं उसके फेज चल रहे हैं वहाँ पर क्या सिस्टम है दोबारा क्या नरेंद्र मोदी के चांसिस हैं कितने इम्कान हैं रोशन और अपोजिशन की पार्टी कौन कौन सी है क्या है पूरा जो इंडियन इलेक्शन है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे तो माज निज़ामी साहब जो हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं उनको भी बड़े गौर से देखा उसके ऊपर तजिए भी दिए और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक मैं तो कहूँगा बल्कि काफ़ी हद तक काफ़ी सच हुई हैं इसीलिए हमने आज इंतखा किया इनका कि पा, पाकिस्तान के इलेक्शन तो ठीक है इंडिया के इलेक्शन के ऊपर ये क्या सोच रहे हैं तो इसको हम चाहेंगे आपको तफसील से समझा पाएँ कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम क्या है वहाँ पे जनाब बहुत शुक्रिया आपका हजूर थैंक यू सो मच आपने मुझे इनवाइट किया और आप हमेशा इसी तरह हौसला अफजाई करते हैं पर आपकी मोहब्बत है ये बताइए कि सिस्टम क्या है इंडिया का मैं इसको ऐसे देखना चाह रहा हूँ या समझना चाह रहा हूँ जैसे बिल्कुल कोई बाहर से आया बंदा जिसको कुछ नहीं पता तो आप बताइए कि कितने वहाँ पर पार्लिमान का क्या है जैसा हमारे यहाँ कौमी असम्बली है सैनट है वहाँ पर क्या क्या है कितनी तादाद है क्या हिसाब हिसाबताब है अच्छा ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है कि पाकिस्तान और इंडिया चूँकि हमसाया मुल्क हैं तो उनमें काफ़ी चीज़ें मिलती भी हैं और यहाँ का वोटर वहाँ का वोटर उसकी सोच नफ्सियात ये सारी भी बड़ी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं तो इसलिए अब हम आज जो गुफ्तू करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली uh, कंपैरिजन भी होता जाएगा साथ साथ बहुत जरूरी है पाकिस्तान कहते हैं अमेरिका के साथ ना इरिया में क्या होता आ... है वहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी बिल्कुल ठीक तो एक तो ये है कि वहाँ पे 500 प्लस सीट्स हैं लोकसभा उनकी जो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो अपर हाउस है जिस तरह हमारा सैनिटर कौमी समझली है बिल्कुल इसी तरह सिस्टम वहाँ पे यही है और वहाँ पे उनके मेम्बर्स हैं फाइव दो लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है तो 545 की असम्बली है और उसके इलेक्शंस हैं इलेक्शंस चूंकि उसका दायरा कार बहुत वसी है नब्बे करोड़ से जायद वोटर्स हैं जी तो बहुत मुश्किल काम है हैरहला है। हाँ, वार इलेक्शन होता है हम तो इधर पच्चीस का करवा के फंस जाते हैं और वो हो नहीं पाते काफी काफी साल हम जा नहीं छोड़ पाते और अहम बात यह है कि मरहला वार होते हैं शिफ्ट हो चुके हैं वो पर्ची से ई वी एम पे ठीक है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनज हैं उन्होंने अपने तमाम एजुकेट जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट किया है वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं पूरा एक बीस पच्चीस साल की मेहनत है नहीं कब से हुआ ये ई वी एम मुद्दा ये तकरीबन बीस पच्चीस साल हो चुके हैं इसको पहले उन्होंने टेस्ट किया तीन चार कॉन्स्टिटुंसीज में फिर उसको बढ़ाया स्टेट्स में किया उसके बाद तकरीबन सन दो हज़ार के आसपास से ये पूरे इंडिया में हमारे तो से इसमें काफी साल आगे हैं इलेक्शन सिस्टम में मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इंडिया से सीखने की और तकरीबन कोई पचास पचपन लाख मशीन हैं उनके पास जो पूरे इंडिया में मूव करती हैं उसी के ऊपर नंबर्स होते हैं आगे कैंडिडेट का नाम होता है आपने सिंपल उसको प्रेस करना होता है उसके बाद जब नई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी या जो अगला मरहला शुरू होता है इलेक्शन का तो उन्हीं मशीन्स को वहाँ से शिफ्ट करके उनके नंबरिंग को सेट करके तो आगे ले जाते हैं तकरीबन ये पचास लाख से ज्यादा मशीन हैं जो पूरे इंडिया में इस इतने सालों में कोई मसला नहीं हुआ इनके ऊपर लोगों ने नेतमा किया इन मशीनस पे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंडिया ने इंडिया का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से बहुत मजबूत है बहुत इंडिपेंडेंट है अच्छा और उनकी शफाफियत पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे कोई शिकायत आती है कोई मसला है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी कोई हैक कर ले लें कोई ऐसा हमला हो जाए साइबर अटैक हो जाए कि जिससे वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाए लेकिन इस चीज़ को वो इंश्योर करते हैं जहाँ पे कोई शिकायत आती है उसको वो फ़ौर हल करते हैं तो इसलिए उनका जो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये फॉर्म फोटी फाइव फोटी सेवन के मसले नहीं है तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन उनका बड़ा मज़बूत है पावरफुल है ये वो ये कैसे है ज़रा मुझे बताइए कि उसका इंतबाब कैसे होता है पहले मैं ये बता दूँ पाकिस्तान में इंतबाब कैसे होता है पाकिस्तान में अपोजीशन के साथ मुशावरत के साथ जो हम इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो और उनके मंबरान का इसी तरह से होता है जी ता? जी बिल्कुल ऑलमोस्ट तरीका कार तो सेम है जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पर निगरान हकूमत नहीं है इंडिया में निगरानकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उससे जितने भी इख्तियारत हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन को और प्रैक्टिकली होते हैं हमारे यहाँ तो पे वो वो सारा वो है।, लेकिन है जो हैं हैं इलेक्शन कमीशन को जा चुके और वो सारे पोस्टिंग ट्रांसफर तरक्याती फंड्स के मसले ये वो वो सारी चीजें प्रॉपर उधर शिफ्ट हो जाती हैं और उस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में वो लोग पावरफुल होते हैं सही है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ पे तो ये है ना जी के निगरानकूमतों में लोगों को एडजस्ट करना होता है कोई टेक्नोक्रेट्स होते हैं कोई सफारशी होते हैं वहां पर यह सिस्टम वहां पर निगरान का कॉन्सेप्ट तो ही नहीं है शुरू बड़ा फर्क है और भी कई मुल्कों में ये रिवाज तो मैसल हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे ये इशू इसलिए हुआ था कि 1977 के जो इलेक्शंस थे वो निगरान हकूत के बगैर हुए थे जुल्फ़ार अली भुटो साहब वाले बड़े मशहूर हैं जिसके बाद मार्शाला लग गया था धानली के इज़ामा लगे थे तो ये जनरल हक के ज़माने से फिर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कि एक निगरानकूमत होगी जो कि ट्रांजिशन में मदद देगी ताकि वो जो उस टाइम भुटो साहब के दौर में ताकत का इस्तेमाल हुआ था वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया वो ये दिया गया कि चूंकि वो इलेक्शन मतनाज़ हो गए उसमें पीपल्स पार्टी ने मन मर्जी की धानली की लोगों को बिला मुकाबला है उठा तो लिया था बिल्कुल तो वो मैदान में था ही कोई नहीं तो इसलिए ट्रांजिशन के लिए एक निगरान होनी चाहिए लेकिन ये जी जिया साहब का तोहफा हमें निगरान बिल्कुल जिया साहब का तोहफा उसके बाद फिर हम ये चलते आए हैं चलाते हैं बिल्कुल और अभी की निगरान से आप देख ही लें कैसे कैसे हमें और अच्छा अब तोहफे मिले निगरान हुकूमत पहले गैर सियासी या टेक्नोक्रेट्स इंटेलेक्चुअल्स पे मुश्तमिल होती थी लेकिन वक्त के साथ साथ वो ट्रेंड भी चेंज हो गया अब सफ़ारश है अब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने लोग एडजस्ट करवा देती हैं इस्टबलिशमेंट अपने लोग एडजस्ट करवा कर देती है, है। तो निगरानकूमत बजाते ख़ुद एक तनाज़ बन गया ठीक है इंडिया में कोई निगरान हुकूमत नहीं है अलेक्शन कमीशन पावरफुल है सारे इख्तियारेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं अच्छा तो अब यह बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है इंडिया की मोदी साहब कितने मरतबा पहले मुतखब हो चुके हैं बोला दो मरतबह दो मरतबा तो अभी जो मैं देख रहा था रिपोर्टिंग और चीज़ें उससे तो ऐसे लग रहा था जैसे दोबारा आ रही जी बिल्कुल लग रहा है और इस दफ़ा तो उनका जो टारगेट है वो है 400 प्लस सीट्स उन्होंने लेनी है आउट ऑफ 543 तो लास्ट टाइम इससे कम ली थी लास्ट टाइम उन्होंने 300 प्लस ली थी जो कि प्रॉपरली एक सिग्निफिकेंट नंबर है सादा अक्सरीत उस टाइम भी उनके पास थी तो इस दफ़ा वो उससे भी आगे जाना चाहते हैं वो टू थर्ड के आसपास जाना चाहते हैं तो क्यों लग रहा है ये कि वो दोबारा आ जाएंगे अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन है अगर आप मोदी की सियासत को देखें पिछले दस साल में जो कि उनका 2014 से अब तक का नहीं हो रहे जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो वो दो पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं एक तो वो सेकुलर इंडिया को शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स तो हिंदू फर्स्ट इंडिया कि जिसमें वो ये समझते हैं उनका बाकायदा ये मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं है सेकुलरिज्म की हम हिंदू हैं और हिंदू मत को हमें बढ़ावा पर परवान चढ़ाना चाहिए इसका इस... क्या, 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 क्या है हिंदू फर्स्ट इंडिया क्या, क्या कह रहे हैं जी अच्छा हिंदू फर्स्ट इंडिया तो... सेकुलर इंडिया से वो शिफ्ट हो रहे हैं इधर तो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग बिल्कुल हो रहे हैं आप ये देखें कि जितना फ़िरका वाराना और बैन अमजाहब तनाज़ात में इजाफा हुआ है वो हमारे सामने है ये गाय के मसाइल हिंदू मुस्लिम फसाद फिर राम मंदिर का जो मामला हुआ है सारा कश्मीर की खसूस आइनी हैसियत को ख़त्म किया गया है इसी तरह जो बंगाल और उसके आस पास के जो सूबे हैं आसाम वग़ैरह वहाँ पर शहरीत के जो बिल थे उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया तो ये स्पेसिफिकली जो उनका एक बुनियादी फलसफा है कि ये एक हिंदू नेशन एक हिंदू स्टेट होनी चाहिए तो वो उसकी तरफ बड़ा सक्सेसफुली जा रहे हैं अच्छा महज ये नहीं है हाँ, कि हम ये कहेंगे काफी नहीं है कि ये सिर्फ बयानबाजी और ये एक मजहबी इंतहा पसंदी ये नहीं है साथ डेवलपमेंट का भी उनका एक प्रॉपर नैरेटिव है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस है इसके कॉम्बिनेशन से फिर वो अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके चलते हैं यानी डेवलपमेंट भी है और बयानिया भी है एक बिल्कुल अच्छा अब डेवलपमेंट में क्या है डेवलपमेंट में ये है कि इंडिया के जितने एयरपोर्ट्स थे वो दुगने हो चुके हैं फॉर एग्जाम्पल अगर सेवेंटी थे अब 140 हो चुके हैं इसी तरह वहां पर चार लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें नहीं बनाई गई हैं बहुत बड़ा नंबर होता ही है चार लाख किलोमीटर बिल्कुल उफ। अब इसके बाद पांच सिटीज में मेट्रो थी अब बीस सिटीज के अंदर मेट्रो की सर्विस अवेलेबल है सो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर आवाम को अट्रैक्ट करती हैं साथ आप फिर जिसको हम पाकिस्तान में इस्लामी टच कहते हैं तो वहाँ पे जब हिंदू टच आता आदू टच मजहबी टच मज़हबी टच जब मजहबी टच आता है और साथ डेवलपमेंट आती है तो वो सारी की सारी चीज़ें तो लोग आ, कह रहे हैं मज़हब से भी जोड़ रहा है और आगे भी बढ़ रहे हैं बिल्कुल तो ये हमने पाकिस्तान में भी ये मसला देखा है और इंडिया में भी देख रहे हैं क्या मसला है कि मौरूसी सियासत पर तनकीद होती है पाकिस्तान में भी होती है और उधर भी होती है अब उधर क्या हुआ है कि गांधीज की जो पॉलिटिक्स है उसको बतौर ख़ास बीजेपी ने टारगेट किया है कि देखें जी फैमिली पॉलिटिक्स है ख़ानदान चला आ रहा है इतने साल से तो ये नहीं होना चाहिए अब उसके मुकाबले में जो लीडर आया है जो पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी अब उनके अपने मसाइल हैं इसी तरह पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ हैं भुट्टो फैमिली है इनके ऊपर तनकीद होती है लेकिन उनके बदले उनके सामने जो इमरान खान साहब आए हैं उनके अपने मसाले हैं। है। तो यानी वहां के इंडिया के इमरान खान इसमें नरेंद्र मोदी हैं कहा जा सकता है क्योंकि वो जो पॉपुलर वेव है ना वो उनके साथ, साथ है। जला... वाला सीन साथीन हाँ, बिल्कुल जला दो घेरा दो उड़ा दो वो सारे मसाले मैं कई वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे ये हमारे भगवान के रूप में आए हैं ये वो तो सादा लफ्जों में तो यही कह रहे थे खुदा का रूप आ गया कोई यहाँ पे यही था ना तो मुझे लगा कि कोई इसी तरह का कोई कल्ट है जो यहाँ पे भी हमें थोड़ा कम ज़रा शिदत से नज़र आता है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है बिल्कुल है वो जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये तीन चार चीज़ों पर बहुत फोकस किया एक तो राम मंदिर का जो मसला था वो उन्होंने हल किया और उसको अपने फेवर में हल किया ये नहीं कि उसके अंदर कोई मुसलमानों के लिए या कोई और चीज़ उसमें सामने आई राम मंदिर का मसला अपनी फेवर में हल किया कश्मीर के हवाले से बहुत डिबेट होती थी कि आर्टिकल 370 होना चाहिए नहीं होना चाहिए और कोई उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको इन्होंने छाड़ दिया उस पर बल्कि एक बड़ी जबरदस्त मूवी बनाई जिसमें पूरा प्रोपागेंडा करके दिखाया गया कि असल में तो ये गलत फहमी थी जिसको ठीक किया गया कागजात का हेर था जो छुपा हुआ था जिसे हुकूमत ने और चंद लाइक अफसरान ने ठीक कर दिया है अब हालत ये है कि वहाँ पर कश्मीर में बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है क्योंकि उनको पता है मजामत होगी और वहाँ की जो रियातीसम्बली है अब तो रियासत नहीं है अब यूनियन टेरेटरी है उसके एलेक्शन भी नहीं हो रहे इतने साल हो गए तो वहाँ सेटअप क्या चल रहा है बस गवर्नरशिप के जरिए वो चीजें चला रहे हैं गवर्नरशिप तो बीजेपी ने पॉइंट किया भी है कहने का मतलब ये है कि आप को जहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए वहाँ पे तो आप ले आते हैं बट जहाँ पे आपने कुछ थोड़ा टाइट करना है और आपको पता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वहां पर आप उसको सस्पेंड दे अगर ये यूनिट की हैसियत होगी तो फिर तो इसी तरह जिस तरह अगर ऐसा हो गया तो इंडियन हो रहे हैं उसी उसी तरह ही वहाँ पे इंतख्या होने चाहिए जी वो तो हो रहे हैं, जो जो, की है। जो, जो सीट्स हैं वहाँ पे तीन वादी की हैं दो जम्मू की हैं एक लद्दाख की तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए ही नहीं सीरेस दिया ही नहीं अच्छा बीजेपी के ने एक और जो चीज की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको देखना चाहिए कि मुसलमानों का वोट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है यूपी में कश्मीर में बाकी सूबों में बिहार में बंगाल में इम्पॉर्टेंट है वहां की सबसे बड़ी अकलीत है करोड़ों में उनका वो वोट है बीजेपी ने टाइम टू टाइम इस चीज को माइनस कर दिया है 2014 में बीजेपी ने सात मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए पूरे इंडिया में फिर 2019 में छह कैंडिडेट खड़े किए यानी वो जो अपना नारा लगा रहे थे उसको सच भी साबित कर, कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर किसी कॉन्स्टिट्युंसी में थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मुस्लिम वोट है तो ठीक है हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है हम ऐसी जीत जाएंगे हम ऐसी जीत जाएंगे इस वक्त मुसलमान आबादी कितनी है इंडिया में पूरी तकरीबन कुछ सत्रह करोड़ से ज़्यादा है इतने नंबर तो बहुत बड़ा है वोट, वोटर्स का तो ये वोटर या तो इतिहाद नहीं होगा इस वोटर का अच्छा उसमें होता यह है कि मुस्लिम वोटर्स के हवाले से भी बड़े वहाँ पे मिथ्स हैं आ, बिल्कुल यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कई पार्टीज़ उनको बाकायदा तोज्जो देती हैं आ, उनके कैंडिडेट्स ले के आते हैं और उनके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं वो आ, लेकिन इसके साथ साथ ये ओवरऑल इंडिया में ट्रेंड कम हो रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स कम आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनकी तादाद कम हो रही है हमने अगर आप हिस्ट्री देखें तो आ, 1980 में मेरा ख्याल है 4950 के करीब लोकसभा में मुसलमान पहुंचे थे मुस्लिम कैंडिडेट्स उसके बाद कम होते गए उसके बाद कम होते गए तो इसका वजह क्या है मुसलमानों में क्या नहीं आ रही या जो भारतीय हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वैसे ही थोड़ा सा पीछे धकेल रहे हैं देखिए दोनों इसमें चीज़ें बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं एक तो ये कि एज ए मुस्लिम माइनॉरिटी उनको जिस तरह से प्रोटेक्शन चाहिए थी वो नहीं मिल रही दूसरा ये कि उनकी अपनी एक पर्सनल एफर्ट जो होनी चाहिए थी शायद उसमें भी कमी है तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन जाता तो फिर अभी इस दफ़ा बीजेपी का एक कैंडिडेट जो है वो केरला से वो मुसलमान है और एक और एक उनका जो बिहार में उनकी जो इतिहादी जमात है जनता दल यूनाइटेड नितश कुमार की जो पार्टी है एक टिकट उन्होंने दिया आप तो को, ने दिया होगा हाँ, फाटी 543 में से अगर दो लोग इसको आप वन प्लस वन ही करके देख सकते हैं तो, तो वो इसके मुकाबले में कांग्रेस ने क्या किया आ, वहाँ पे बाकी जमातों में तकरीबन अगर हम मिलाएं तो आ, कुछ सेवनटी प्लस के करीब कैंडिडेट होते हैं जिनमें से थर्टी इस साइड पे हैं कांग्रेस और बाकी जमातों की साइड पे तो वहाँ का नंबर इन कंपेरिजन टू बीजेपी तो बहुत अच्छा है लेकिन ओवरऑल ये नंबर कम होता जा रहा है इंडिया के तो जो एक कॉन्सेप्ट था अब नरेंद्र मोदी के मुकाबले में तो बड़ा फिगर आ, राहुल गांधी है यही है उन्होंने पिछले दिनों वो करते रहे पैदल वॉक भी करते रहे पूरे इंडिया में उसका ख़ास नारा भी रखा हुआ था उन्होंने और वो हमने कई इंटरव्यूज मैंने भी उनके फॉलो किए वो लग तो यानी ऐसा नहीं लगता जिस तरह हमारे यहाँ शायद उनको कंपैरिजन किया जाता था बिलावल भुट्टो से और उनकी ज़ुबान का भी मजाक उड़ाया जाता था और फिर उनको कोई ख़ास नाम से भी पुकारते हैं मोदी साहब पता नहीं पप्पू बच्चा या कुछ इस तरह से कहते हैं लेकिन वो तो ज़रा डिफरेंट अपनी परसेप्शन जो उनके बारे में बनाई गई थी उससे तो, तो वो बाहर निकल रहे हैं या तोड़ दिए उन्होंने अपनी परसेप्शन को लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला सही कर पा रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि ये जो जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ना कि मौरूसी सियासत वर्सेस पॉपुलर पॉलिटिक्स तो वहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ा यही इल्ज़ाम आता है कि जी आप इलीट पॉलिटिकल एट से आपका ताल्लुक़ है एक बड़े ख़ानदान से है जिसकी वजह से आप यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से बीजेपी ने इस चीज़ को टैकल किया है इस चीज़ को उन्होंने कंपनसेट किया है अपने नरेटिव के ज़रिए और बहुत नुकसान पहुँचाया है कांग्रेस को इस मामले के अंदर और कांग्रेस की फुटिंग ख़ासी मुश्किल में है प्रियंका गांधी डेफिनेटली एक ज़्यादा अहम बड़ा नाम है और वो उनसे बेहतर लीडर साबित हुई हैं बट ये है कि दस साल के अंदर बीजेपी ने जो वर्किंग की है वो इतनी कामयाब है कि इनके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया और उसके बाद ये सोचना कि ये उभर के सामने आएंगे तो ये बड़ा एक लॉन्ग टर्म मंसूबा लगता है आप कह रहे हैं कि जितने साल मेहनत लगी है उनको नीचे करने में तो इसमें एक बड़ा ख़ास किरदार मीडिया का भी है है तो मीडिया इस वक्त वहाँ पे क्या कर रहा है जो खबरें हैं वो तो हम मैं इसलिए नहीं कह रहा ताकि आपकी राय पहले आए फिर उसके ऊपर कोई तबसरा भी हो सकता है मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है फ्री एंड फेयर कर रहा है कवरेज क्या मोदी साहब को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है नुकसान मिल रहा है या मीडिया बड़ा न्यूट्रल होकर दोनों तरफ देख रहा है अच्छा ये मीडिया बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है अच्छा मेजॉरिटी मीडिया शिफ्ट हो चुका है टूवर्ड्स मोदी और जितने भी प्राइम टाइम के शोज़ हैं या जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं वो डेफिनेटली उनके साथ हैं और अपोजिशन की जो वॉइस हैं जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि कई साफ़ी अगवा हुए कोई कत्ल हुए कोई जेल गए इसी तरह इंडिया में भी है अच्छा ये इसी तरह का हो रहा है मोदी गवर्नमेंट थोड़ा मोदी के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसके साथ कई साफ़ी जेल में हैं कई पब्लिकेशंस पे कई न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर रेड्स हुए उनके रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया ऑफिस को बंद किया गया उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं बट ओवरऑल जो पिक्चर बनती है वो ये है कि वहाँ पर जो प्रेस फ्रीडम है आ, वो डेफिनेटली उसके हवाले से ख़ासी मुश्किल हमारे से बेहतर हैं या हमारे जैसे ही हैं हमारे जैसे ही हैं तकरीबन प्रेस फ्रीडम की यही हालात है तो ये एक बड़ा पोट्रे किया गया मोदी फैमिली जी मोदी जो है वो एक तो चाय बेचने वाला है और वो चाय बेचते बेचते वजीरम और उधर पहुँच गया दूसरा ये कि यार अपनी फैमिली का कोई ख्याल नहीं बहुत दिन पहले यह बात है मुझे वालबर उनकी वालदा के हवाले से मैंने वीडियोज़ देखी थी फिर उनकी कोई बहन थी तो फैमिली दिखाई जाती है बड़ी नॉर्मल सी फैमिली यार उन्हें कभी को कोई इनवाइट नहीं किया गया आपने तो इसी को वो सेल भी करते हैं इसी पॉइंट को कि मोदी जो है वो वो बल्कि कई अपनी वीडियोस में कहते हैं कि मैंने तो अपनी बीवी और ये वाला जो सिलसिला है वो छोड़ दी थी अपनी बेगम उन्होंने जी और वो कहते हैं मैंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया वतन के ऊपर और ये बिकता भी है उनका नया नारा तो ये सब ठीक है यानी ऐसा ही है आ, दूसरी तरफ यही जो आपने मरूसियत वाली है इसको वो इस तरह से किल भी करते हैं इस तरह से बिल्कुल करते हैं और इसमें जो उनकी मीडिया और कम्युनिकेशन की कैंपेन या स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप जितनी लिमिटेशन आई हैं इस पूरे के पूरे रीजन में उसकी बड़ी वजह इंडिया के अंदर की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कैसे अभी आप व्हाट्सएप से पांच लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज पे लिखा हुआ था फॉरवर्डेड जी ठीक है ग्रुप के अंदर 250 अराउंड लोग ऐड हो सकते हैं ये सारी मेहरबानियाँ इंडिया के प्रोपेगेंडा वॉर की हैं कि जो वहाँ पर इंटरनली चलती थी पार्टीज़ लड़ रही होती थी दो दो लाख लोग तीन तीन लाख लोग व्हाट्सएप के ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होते थे कोई एक अफवाह फैलानी है किसी के ख़िलाफ़ को मलाइन करना है किसी को खबर किसी के ख़िलाफ़ देनी है तो वो चैनल्स यूज़ होते थे इंडिया में तकरीबन कोई पचास करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं कि जो व्हाट्सएप और इस तरह के जो सोशल मीडिया चैनल्स या चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं तो आप कह रहे हैं कि प्रोपगेंडा इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हो रहा था बिल्कुल और इसको एज ए ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया कि जी बीजेपी हाँ वो है। सेल्फलेस हैं उनको अपनी कोई फिक्र नहीं है और यही मेखल अमित शाह और बाकी लोगों की वो जो योगी हैं उनके बारे में भी इसी तरह की परसेप्शन बनाएगी बिल्कुल देखें जी ये सेल्फलेस लोग हैं अपने वतन से इनको मोहब्बत है अपने धर्म से मोहब्बत है ये अपने घर में कोई चीज़ें नहीं जमा करते तोशा खाने से चीजें नहीं लेके जाते ठीक hmm. है इनको कोई परवाह नहीं बच्चों की बहन भाइयों की तो वो अच्छा वो ब्रांड उन्होंने फिर इस्टेब्लिश कैसे किया कि बीजेपी के कोई ट्वेंटी थाउजेंड प्लस उन्होंने कॉल सेंटर्स वो बनाते हैं इलेक्शन में जिसमें सिर्फ लोगों का काम यह है कि वो बैठ के वोटर्स को कॉल कर रहे होते हैं बता रहे होते हैं हमारा ये मैसेज है बीस हजार कॉलिंग सेंटर बिल्कुल जिससे पूरे इंडिया में पूरे इंडिया के अंदर वो अपना अपना मैसेज सर्कुलेट करते हैं कोई रिकॉर्डेड होते हैं वैसे कोई कॉल्स करते हैं वोटर से बात करते हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे अब ट्रेंड आया ना रिकॉर्डेड मैसेज कि मैं नवाज़ शरीफ बात कर रहा हूँ या मैं इमरान ख़ान बात कर रहा हूँ तो वो इन चीज़ों में वो काफ़ी आगे हैं तो ये जो सोशल मीडिया का जो मसला है उसको बड़ा सक्सेसफुली बीजेपी ने यूज़ किया है और एक पूरा का पूरा उन्होंने ब्रांड बनाया है और उसके बाद फिर आ, हमने ये देखा कि उन्होंने इंतबी महाज पे फिर कामयाबियाँ ही कामयाबी हासिल की तो ये जो सीन है हमारे यहाँ आठ फरवरी से पहले हमने देखा ख़ुद मुझे कई डी से मिलना पड़ा कमिश्नर्स, डी सी एसी, वो कहते थे कि जी हमें तो कहा गया कि आप इनको नून वालों को जो कहते हैं कर दें इनके साथ तो पीटीए वालों ने खैर कुछ शहर के लोग भी सन कुछ मई भी इन्होंने कर दिया हुआ था बाकी फिर कुछ उन्होंने रियासत ने आगे बढ़ चढ़ के भी ज्यादा कर दी तो वहाँ पे क्या हिसाब है यानी पुलिस और बाकी जो इस तरह की इदारे हैं वो क्या बीजेपी तब से आ रही है आगे भी उसके चांसेस हैं तो उनका झुकाव और ये चीज़ें ये शिकायत वहाँ पे नज़र आती हैं बिल्कुल नज़र आती हैं और उस हवाले से नरमी भी मौजूद है इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि एक ओवरऑल फिजा बनी हुई है इस फिजा के अंदर वो तमाम आवाज़ें जो इसको काउंटर कर रही हैं या इससे इख्तलाफ रखती हैं वो सारे डेफिनेटली मुश्किल में हैं तो जब एक पूरे इंडिया में जब करोड़ों लोग हैं बल्कि अरब से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर एक ओवरऑल ये फ़िज़ा बनी हो कि जिसमें इंतहा पसंदी और मज़हबी जुनूनीत तो और यह सारी चीज़ें इलेक्शन कार्ड के तौर तो पर इस्तेमाल हो रही हैं और साथ फिर आपको डिवेलपमेंट भी मिल रही है तरक्की भी मिल रही है तो उसके साथ फिर वो पूरा का पूरा जो रियासी ढांचा है वो कहीं ना कहीं उसकी जो आ, उसकी झुकाव या उसकी इंक्लिनेशन जो है वो डेफ़िनेटली उधर हो जाती है लेकिन इसका असर इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर बहुत कम पड़ता है वो कैसे जी? ये ऐसे नहीं होता कि जैसे पंजाब में या हमने इधर पाकिस्तान में देखा कि फॉर्म फोर्टी फाइव आया फिर फोर्टी सेवन आया उसकी वो जो शफाफियत है उसको इंश्योर किया जाता है इलेक्शन साफ शफाफ हैं जो झुकाव इस तरह से हो सकता है कि भाई अगर एक बंदे ने बयान दिए उसको नहीं पकड़ा गया दूसरे ने किया फौरन पकड़ लिया गया ये यहाँ इस हद तक हाँ ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने ऐसी भी क्राइम की चीज़ें आई कि पुलिस एहलकार इंतहा पसंद था तो उसने किसी माइनॉरिटी के आदमी को मार दिया क्यों क्योंकि वो नज़रियात से मुतासर है बीजेपी के सो ये चीज़ें इंसिडेंट्स वहाँ पे हैं डेफिनेटली बीजेपी को अगर पाकिस्तान की किसी जमात से अब वैसे आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप जैसे ही करेंगे तो लेकिन शिद्दत पसंदी वाली आप जमात कह रहे हैं जी आप जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जमातें हैं नून लीग पी टी आई पीपल्स पार्टी जे यू आई इन से तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता कुछ तहरीक इंसाफ और बीजेपी के थोड़े सी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं वो बोले कल्चर के भाई अगर ये हमारे साथ नहीं है ये कतार हाँ। है ये दो नंबर आदमी है चोर है तो आप कह रहे हैं कि इतना ऊँची वाला की जो जंग है ना उसमें भी और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स की जंग इसी तरह सोशल मीडिया कैप्चर करने की जंग ये वो पॉइंट्स हैं कि जिसमें बीजेपी और तहरीक इसाफ खास के करीब हैं तो सोशल मीडिया की जंग कैसे जीती बीजेपी ने यानी पहले से कांग्रेस थी वहाँ पे थे ये मोदी और इन जैसे बाबे ये किस तरह सोशल मीडिया पे इतने आगे निकल गए ये बिल्कुल अभी हमने जो बात की है ना कि एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई जिस तरह यहाँ पे पहले फ़रहान बिरक एंड कंपनी होते थे अब तो वो खैर दूसरी तरफ जा चुके हैं तो कैप्चर किया गया सोशल मीडिया फिर उसके जरिए लोगों को कंट्रोल किया गया नैरेटिव बनाया गया जिस तरह मैंने आपको बताया कि रहे नहीं कर रहे थे वो पीछे रह गए नरेंद्र मोदी को जिस तरह ब्रांड बनाया गया कि एक सेल्फलेस आदमी है जो अपने सिर्फ वतन के लिए देखें जी ये सारा कुछ कर रहा है फिर साथ उनको सपोर्ट थी जिस तरह मैंने आपको कॉल सेंटर्स की बात बताई व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात बताई ये सारे लिंकेजेस मौजूद थे फिर ये एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि कॉपोरेट कंपनीज जो हैं बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो बीजेपी ने अपने साथ मिलाए और उनसे फंडिंग ली इस सारे काम की तो मिलाए किस तरह से नजरियात की बुनियाद पे तो नहीं क्योंकि बिजनेसमैन तो देखता है अपना फायदा बिल्कुल तो कहा कि अगली गवर्नमेंट्स हमारी हैं या वो ताकतवर इतने हो चुके थे कि वो अच्छा वो पाकिस्तान और इंडिया का फार्मूला सेम है आपने फंड दिया आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उसके बाद फंड दे दिया वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ठीक है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले लेना है कि पहले फंड लेना है तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग uh, ठीक है तो आप पहले फ़ंड दे, दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आपकी दोस्ती है तो फिर आप पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे फ़ंड बाद में दे, दे देंगे तो वहाँ पर भी, भी ये चीज़ है वहाँ का भी सेम टू सेम ये मसला है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो उनकी मोहब्बत से ज़्यादा अपने बिजनेस इंटरेस्ट को वॉच करता है उसके लिए और बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन तो अच्छी खासी महंगी है लेकिन इंडिया का ये है कि वहाँ पे चूंकि तीस से जायद यूनिट्स हैं जो रियासतें और यूनियन टेरिटरीज हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाना सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा काम है जिसमें अरबों रुपया खर्च होता है प्राइवेट जेट्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं फिर हर हर जलसे की सारी करना है ट्रैवल करना है ये सारे इसके बिलाशुबा बिलियंस में अखराजात हैं इसमें वो खर्चे नहीं है जो लोकल सतह पर कैंडिडेट करता है ये सिर्फ सेंट्रल आबाद राहुल गांधी जो है वो, वो जो कैंपेन कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे हैं ये उनकी बात हो रही है तो वो इसमें खर्चे शामिल नहीं हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उम्मीदवार कर रहा है जो गिफ्ट दे रहा है मोटरसाइकिल्स दे रहा है साड़ियाँ दे रहा है जिस तरह पाकिस्तान में कल्चर है, है ही सारा। बिल्कुल है हंड्रेड परसेंट है इलेक्शन ऑफिस खोले जाते हैं इलेक्शन ऑफिस खोलने के पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर गपशप लग रही होती है चाय चल रही होती है उसके पैसे दिए जाते हैं चूँकि वहाँ पर साड़ी बड़ा मकबूल लिबास है वो उसका गिफ्ट बहुत ज्यादा है, है या हमारे जितना ही है या क्या कहाँ देखिए उनका वोटर इसलिए आ गया कि उसको ई चलानी आती है या उसको एटलीस्ट वो मैनेज कर लेता है बाकी जो उनकी डिमांड्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की सेम है जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि जी इलेक्शन ऑफिस खोलना है तो पैसे दें वहाँ पे भी यही होता है यहाँ पे ये है कि जी खाने के पैसे ट्रैवलिंग के पैसे जलसा करवाने के पैसे तोहफे चल रहे हैं इतने वोट होंगे तो बाइक मिल जाएगी वहाँ पे भी ऐसे ही है इतने वोट होंगे तो बाइक मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान इंडिया के वो वाले मसाइल एक ही है हिसाब तो एक, है। इसाब तो एक है। ये इस्टबलिशमेंट जो एक बला का नाम है वो इंडिया में कहाँ पर है और उसका क्या किरदार होता है वो इंडिया में अपनी औकात में है नहीं लेकिन कहीं में तो होगी ना यानी वो ताकतवर इदारे जिनके पास लामहदूद ताकत होती है उनका झुकाव कहाँ पे होता है ये क्या करते है? ये एक तारीखी अमल है जो कि इंडिया ने डे वन से स्टार्ट किया और दो उन्होंने काम किए एक तो ये जितनी रियासतें थीं और जागीरें थीं वो उन्होंने ख़त्म की और दूसरा ये है कि जो आर्मी थी या जो आर्म्ड फोर्स हैं आ, उनकी एक लिमिटेशन मुकर की कि आपने इससे आगे नहीं आना और इसमें डेफिनेटली इंडिया के पॉलिटिशियंस जो हैं वो खराज तहसीन के मुस्तक हैं कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया नहीं ये तो उन्होंने कानून तो हमारे यहाँ भी मौजूद है ठीक है आर्टिकल भी मौजूद है इम्प्लीमेंट कैसे किया है इससे यानी आखिरी मरतबा को पेश कदमी हुई कब थी नहीं ऐसे वहाँ पर कोई इंसिडेंट्स नहीं है आ, और तो ये मसला ही नहीं होगा मसला ही नहीं है वो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि वहाँ के पॉलिटिशंस ने मिल के इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि ऐसा इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला ना हो वहां परमेंट का वर्ड ही नहीं यूज किया जाता अच्छा ये तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारी है। है तो... जो आई एस आई है वहां पे हम पल्ला रॉ है जी ठीक है तो रॉ क्या कर रही होती है इलेक्शन वगैरह रॉ ज्यादा एक्सटर्नल ऑपरेशंस पे फोकस करती है उनका जो आ, सी विंग है या इंटरनल विंग है वो बहुत कमजोर है बहुत कमजोर है नहीं इंटरनल पॉलिटिक्स और इन चीजों में बिल्कुल वो कुछ नहीं करती बिल्कुल उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कवर कर रहे होते हैं सारा कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं बट उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ, उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होता है उसका हुक्म ज्यादा चलता है उसकी पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि अपने एजेंडे पे नहीं होते नहीं, वो नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितना ताकतवर है कितना बाख्तियार है हमारे जितना ही है या बढ़ के हैं हज़ार गुना ज्यादा बाख्तियार है उसकी वजह उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है जब किरदार नहीं है तो वो एक चीज़ ऑलरेडी सेटल्ड है कि ये मसला है ही नहीं जो सबसे बड़ा मसला है हमारा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो वहाँ पे है ही नहीं एक तो बात तो जब बात बात वो मसला ही नहीं है तो वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करेगा वो पॉलिटिक्स पे करेगा वो डेवलपमेंट पे करेगा वो फॉरेन ऑफिस पे करेगा पॉलिसीज बनाएगा मुल्कों से अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा उसको इस चीज़ का इस चीज़ पे सोचने के लिए उसको तो ये कितने फे, जो जितने फेजेस में ये इलेक्शन हो रहे हैं कितने अर्सा होता है यानी चार जून को रिज़ल्ट आएगा तकरीबन कोई इसके छः से सात मरहले हैं जिसमें वोटिंग होगी और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा पाँच मराहल शायद हो चुके हैं दो तो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नए जो भी होंगे वो कब अपना उठा लेंगे अल्फ़ वगैरह हमारी तरह ही जी वो जिस तरह पाकिस्तान में एक टाइम है कि पहले इसम्बली का ओथ होगा उसके बाद इलेक्शन होंगे और वो जैसे जो उनके अंदर ही हो जाएगा थर्टी डेज अराउंड थर्टी डेज़ का जो एक प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट वहाँ पे भी, भी इंडिया में ऐसा ही है कि वो उसी के अंदर ही चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ये सिर्फ इसमें आसानी इंडिया में ये होती है कि वहाँ पर जो कि निगरान हुकूमत नहीं होती तो इसलिए वो ताम जाम वजी के आने जाने का वो मसला नहीं होता जो भी नई गवर्नमेंट होती है उसने आके अपना वक्त ले लेना होता है लेकिन वो जो वज़रा है अफसरेशाही है प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें हमारी जैसी हैं जी बिल्कुल हमारे जैसे हमारे जैसे ही उनके आगे पीछे कमांडोज फोर्स बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं और प्रोटोकॉल भी हमारे जैसा है फिर ये है कि वहाँ के, के मसाइल भी हमारे जैसे हैं करप्शन का बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बजट बहुत है हज़ार करोड़ में बात हो रही होती है इतने हज़ार करोड़ पाँच हज़ार करोड़ दस हज़ार करोड़ तो फिर जब उसमें से किकबैक्स बैक्स निकलेंगे या ठेका निकलेगा वो भी बड़ा है वो भी उतना बड़ा है तो ये जिस तरह हमारे यहाँ हुआ कि ओपोजिशन रानमा तेरी वाले इमरान खान साहब अंदर चले गए सजाएं हो गई चीज़ें होंगी इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे ओपोजिशन रानमा वो अंदर चले गए तो सामने एक फेस तो होता है कोई भी अदालत कोई भी पुलिस लेकिन पीछे कुछ और होता है। तो वहाँ पे कोई नहीं इस तरह हुआ कि राहुल गांधी साहब को जनाब जेल में डाल दिया हो इलेक्शन से पहले कोई तैयारी की हो ये वो जो भी है जैसी भी है अपोजिशन तो है ना देखिए वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि जी जो आदमी जेल में है फिर वो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाद में जेल में चला जाता तो है तो वहाँ पर चीज़ें जरा मच्योर हैं वहाँ के अपने मसाइल हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं लेकिन इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान उनका पोलिटिकल कल्चर बहुत मिच्योर है वो इसम्बली के अंदर ये सारी गर्मा गर्मी हो जाती है जो भी उन्होंने एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहना है वो इसम्बली के अंदर कर लेते हैं जलसों के अंदर कोई छोटी मोटी तनकीद हो जाती है लेकिन पोलिटिकल विक्टमाइजेशन का जो जिस तरह पाकिस्तान में होता है वैसा कल्चर वहाँ पर नहीं है वहाँ के मसाइल दूसरे हैं इसका मतलब है आप जो सारा आपने देखा है इसको तो इंडियन इलेक्शन में धांधली का कोई कन्सेप्ट नहीं वेरी लेस बहुत कम है बहुत कम है लोग इतराज़ ज़रूर करते हैं बहुत एतराज़ करते हैं ऐतराज़ को फ़ौर सॉल्व किया जाता है उसको सुना जाता है और वो क्या हो सकता है यानी धांधी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जिस तरह ये आया फॉर्म फोर्टी सेवन फोटी फाइव का इससे पिछले इलेक्शन में आया कि जी रिज़ल्ट ही नहीं आया था अगले तो दिन किसी के रिज़ल्ट आ आगे तो उधर क्या एतराजात होंगे उधर ज़्यादातर मसला होता है जी काउंटिंग का काउंटिंग मशीन में कोई मसला है यहाँ के वोट्स को रीचेक किया जाए मशीन ने गड़बड़ तो नहीं की सॉफ़्टवेयर में तो नहीं मसला हुआ हैक तो नहीं हुई वहाँ के ये मसाइल हैं उनको तो थैले नहीं आ, खोलने पड़ते उनको वो कोई कोई को, कुछ नहीं करना पड़ता तो आप इसको देखते हैं कि ई वी एम हमारे भी मसलों का हल हो सकती है डेफ़िनेटली हो सकती है बिल्कुल हो सकती है और उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें आपके प्रोसेस को आसान कर देती हैं आपकी शफाफियत का जो लेवल है उसको बढ़ा देती हैं दस सवालों की बजाय तीन सवाल उठेंगे दो सवाल उठेंगे अगर ये सारी चीज़ें उस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो चलें ये तो इंडिया के ऊपर हो गया और आपको ये लगता है कि दोबारा आ रहे हैं नरेंद्र मोदी दोबारा बन के आ रहे हैं <coughs> ये बताइए कि ये जो ईरान वाला मसला हुआ इस पर क्या आपका तबसरा है क्या आप सोचते हैं समझते हैं या मीडिया को जो आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया को ये क्या नज़र आता है ये वाक्य जो ईरानी इब्राहिम रईसी साहब का हुआ तो ईरानी सदर साहब का ये वाक्य हुआ क्या पीछे आपको नज़र आते हैं मामला लोगों ने बड़ी साजी थ्यूरियाँ बनाई कि जी इसइल पीछे है और इस तरह इस तरह है आपको क्या नज़र आए देखिए मुझे तो ऐसे लगता है कि चूँकि ख़ते के हालात ख़ास पेचीदा हैं और सिचुएशन ख़राब से ख़राब हो रही है तो इसलिए फिर जब हम ये इस तरह के किसी इंसिडेंट की बात करते हैं तो साजिशी थ्योरी की तरफ ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है लेकिन उसमें दो से तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो ये है कि वेदर कंडीशंस दूसरा ये है कि हेलीकॉप्टर की अपनी जो तबी उम्र थी वो क्या थी खासा पुराना हाँ खासा पुराना हेलीकॉप्टर था इस तरह के हादसे पूरी दुनिया में होते हैं हमारे इंडिया में जनरल बिपिन रावत का इसी तरह इंसिडेंट हुआ कि वो उन्होंने फ्लाई किया एक जगह से और वो जाने से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया कोटा ये बलूचिस्तान में जो कोयटा के कोर कमांडर थे जनरल सरफराज उनका हेलीकॉप्टर नॉर्मली क्रैश हो गया जब ये इंसीडेंट होता है और उसमें कोई बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व होती है तो फिर साजशी कहानियाँ इधर उधर से निकल के आती हैं तो अभी तक ईरान की गवर्नमेंट ने बड़ा सेंसिबली बिहेव किया और उनके मीडिया ने उनके ऑफिशल्स ने ऐसी कोई गर्मा गर्मी नहीं दिखाई या ऐसी कोई साजशी कहानियों को हवा नहीं दी जो दीगर मुल्कों के मीडिया हाँ। दिखा रहे हैं बिल्कुल तो, तो वहाँ से ईरान के मीडिया को या ईरान के ऑफिशल्स को देखें तो पता चलता है कि शायद वो इसे एज इंसिडेंट बिल्कुल तो इसमें ये जो हमारे पास भी आए थे इब्राहिम रशी से मेखल आखिरी दौरा शायद इस तरह से हमारा ही किया उन्होंने हमारे मुल्क ही तो वहाँ पर तो दोबारा वो नायब सदर संभाल लेता है फिर आगे इंतखात होने या सारा सिलसिला चलना आपको क्या लगता है कि ईरान और सऊदी अरब ये भी पहली मरतबा इकट्ठे हुए काफ़ी सालों बाद हुआ ऐसा फिर चीन के साथ भी इन्होंने बड़े जाके किए पाकिस्तान के साथ बड़े माहे आगे बढ़ाए तो ऐसा भी था कि ये कोई इनकलाबी लीडर आ रहे थे आगे या बड़ा कोई आलम इस्लाम के कुरान में बड़े के तौर पर सामने आ रहे थे कुछ ऐसा होने जा रहा था अच्छा मुझे इसराइल से थोड़ा इख्तिला है जी वो इसलिए कि ईरान को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन फैसला करता है वहाँ पर पर्सनैलिटीज़ इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं है ठीक है सिवाय जो आयतुल्ला तो हैलिटी ठीक है हमने देखा कि अहमदी नयाद बहुत मकबूल लीडर थे लेकिन वह आजकल रिटायर्ड हैं इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ पढ़ाते हैं पैसे कमाते हैं घर चले जाते हैं तो ईरान के जो चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करें तो वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम ये कहें कि जी इब्राहिम रईसी साहब कोई बजाते ख़ुद इनिशिएटिव लेके तो ये सारा कुछ कर रहे थे मुझे ऐसा नहीं लगता वो ईरान का बतौर मुल्क एक फैसला था जिसके अंदर उनके जो राहबरी शुरा है और वह सारी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पॉलिसीज़ को लेकर चलते हैं नहीं तो आयतुल्लह साहब की क्या हैसियत है यानी सुप्रीम लीडर है सुप्रीम लीडर को क्या थोड़ा सा जिस तरह है? हम अमूमन कहते हैं अमीरुल अमीराम एब्सोल्यूट अथॉरिटी जिसके पास है वो वो है वो वो हैं तो वो उनके तो लामहदूद हैं बिल्कुल ला महदूद हैं और उनकी जो शुरा है या जो उनकी मशावरती लोग हैं उनके साथ बैठ के जो फैसला हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा मुल्क या उसका जो इंतज़ामी ढांचा है उसके अकॉर्डिंगली चलता है तो ये जो हमारे यहाँ टर्म आई थी नवाशिफ़ साहब के लिए अमीरुल मीराम वाली ये वो ये इसी को मद्देनज़र रखिए कि आई थी कि ये वो बनना चाहते थे जी बिल्कुल वो वो तो 97 की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये इल्ज़ाम लगता था कि मियां नवाज शरीफ चूँकि टू थर्ड आ गई है उनके पास तो वो ये चाहते हैं कि एब्सलूट पावर्स हों ये जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनमें ये मसाइल होते हैं क्योंकि वहाँ पर शख्सियात अहम होती हैं अदारे अहम नहीं होते असूला तो इदारों को अहम होना चाहिए लोग आते हैं चले जाते हैं पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म होना चाहिए लेकिन जिन मुल्कों में ये मसाइल होते हैं वहाँ पर फिर शख्सियात की तरफ देखा जाता है तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका में होने जा रहे हैं इस वक्त जब हम बात करें इंडिया में और यूके में कनेडा में तो हर जगह पे ज़्यादा वो लोग आ रहे हैं सामने जो मज़हब के ज़रा थोड़े मजहबी नज़र वो, वो लोग ये ट्रेंड ये चल रहा है कि पॉपुलर लीडर जो है पॉपुलर लीडर जो ट्रम्प का जा रहा है जो आवाम की नफसियात को जानता है उनके जज्बात से खेलना जानता है बुलंद तकरीर करता है जोशो है, वलवला है आ, वो ज्यादा उसको, उसको पसंद करेंगे। पसंद करेंगे। दुनिया में यही एक ट्रेंड चल रहा और है और उसका एक सादा सा हाल ये होता है पॉपुलर लीडर का एक ही इलाज है कि उसको आप गवर्नमेंट दे दें <laughs> 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 पाकिस्तान में भी उसका फायदा ये होता है पॉपुलर लीडर हमेशा अपोजिशन में अच्छा लगता है हुकूमत में आवादार तकरीर हो रही है जलसे हैं आवाम है फैन फॉलोइंग है प्रोटोकॉल्स हैं लोग कह रहे हैं कि ये है वो कायदे इनकलाब जिसने सब कुछ बदल देना है जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर वो सारा का सारा मामला डिफरेंट हो जाता है बहुत शुक्रिया जनाब माजदीन जाम साहब आपने बड़ी तफसील से ख़ास तौर पर जो इंडिया के एलेक्शन हैं उसको समझने में हमें बड़ी आसानी मिली अल्लाह करे कि हम इस चीज़ में इंडिया के नक्शे कदम पर चलें ताकि बेहतरी आ सके तो आपको अच्छा लगा बुरा लगा इतफ़ाक़ करना चाहिए इख्तलाफ करना चाहिए आपकी मर्जी है फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम गुफ्त के मैार को बेहतर से बेहतर बनाएं अपने मेज़बान फ़रुख़ड़ाइज करा दीजिए ने के बाद